देखो फ्रेंड्स, जब तक किसी जॉब में फ्री के टी शर्ट हुडीज स्वैग ये सब ना मिले, गिफ्ट्स ना मिले, तब तक जॉब करने में मजा नहीं आता। बट अमेज़न में ये फ्री की टी शर्ट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती हैं, बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखो, लाइफ में सबको फ्री का सामान चाहिए होता है और मुझे भी आप लोगों से एक फ्री की चीज चाहिए जो कि है आपका सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग इज वर्क फ्रॉम होम इक्विपमेंट। सो जब से कोविड स्टार्ट हुआ है और उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है तो सब एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम का सामान लेने के लिए पैसे मिलते हैं। आप मॉनिटर ले सकते हो, कीबोर्ड, माउस, टेबल, चेयर, हेडफोन्स, ये सब चीजें आप ले सकते हो। जो भी आप सामान लोगे आपको उसका रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप उठा के बहुत बड़ा मॉनिटर ले लो 30,000 का, या आप कोई कीबोर्ड ले लो मैकेनिकल जिसमें लाइट्स निकलती हों, कलर्स हों जिसमें, ऐसा आप नहीं कर सकते। हर चीज़ पे एक लिमिट होता है, एक बजट पे लिमिट होता है। लाइक मॉनिटर आप अराउंड 9 to 10,000 के बीच में ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। बाकी चीज़ों का मुझे एग्जैक्टली बजट याद नहीं, बट सबका एक रीजनेबल बजट होता है जिसमें सब सामान आ जाता है। सो ये सामान लेके आप घर से आराम से काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज रीइंबर्समेंट्स। आपको बहुत सारी चीज़ों के रीइंबर्समेंट्स मिलते हैं। लाइक आपको अपने फ़ोन के बिल का रीइंबर्समेंट मिलता है, वाईफाई के बिल का रीइंबर्समेंट मिलता है। सो जैसे आपको आपके फ़ोन के बिल का रीइंबर्समेंट मिलता है, कहीं ऐसा ना हो कंपनी वाले काम के लिए आपको कॉल करते रहें और आप बोलो कि मेरा तो बैलेंस ही नहीं था, मैं तो फ़ोन उठा ही नहीं पाया, मुझे तो पता ही नहीं चला कॉल आया। सो ये सब बहाने नहीं चलेंगे और आपका फ़ोन रिचार्ज करवाया जाएगा। आपके वाईफाई का भी रीइंबर्समेंट पूरा दिया जाएगा आपको, सो दैट आपको अगर घर से काम करने के लिए बोला जाए तो आप ये मत बोलो कि अरे मेरा तो इंटरनेट ही नहीं चलता घर पे। तो ये सब बहाने भी नहीं चलेंगे, आपको काम करना ही पड़ेगा। इन दोनों के बिल पे भी लिमिट होती है, बट दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको जिम का भी रीइंबर्समेंट मिलता है कि कहीं कल को आप आगे बोल दो कि मैं तो बीमार हो गया, मुझे तो सिक लीव चाहिए, तो कंपनी आपको पूछेगी कि जो आपको जिम के पैसे मिलते हैं तो वो आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, कहाँ है आपकी फिटनेस, कैसे आप बीमार हो गए। तो आप बीमार नहीं पड़ सकते और आपको काम उस दिन भी करना ही पड़ेगा। आई एम जस्ट जोकिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे सीरियस मत ले जाना और फायर मत करवा देना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिडाइज मील्स इन कैफेटेरिया। देखो मैं अब तक ऑफिस गया तो नहीं हूँ, बट जितना मैंने सुना है अमेज़न के कैफेटेरिया में सब कुछ सस्ता मिलता है नॉर्मल रेट से। लाइक जैसे एक वेज थाली होती है जो कि बाहर आई थिंक 80 to 90 रुपीज की मिलती होगी, वो इस कैफेटेरिया में 30 to 40 की मिल जाएगी। सो हर चीज का रेट सब्सिडाइज होता है, मतलब थोड़ा कम होता है। जो सैंडविच आई थिंक 50 का होता होगा बाहर, वो शायद 20 या 25 का मिल जाएगा। सो अमेज़न में बाकी कंपनीज की तरह सब कुछ फ्री में तो नहीं मिलता, बट सब्सिडाइज मिलता है, थोड़ा सस्ता मिलता है। बाकी की डिटेल्स मैं आपको ऑफिस जाने के बाद बता पाऊंगा, पूरे कैफेटेरिया का मैं आपको राउंड दूंगा, सो आप अच्छे से देख सकते हो उस टाइम पे। नेक्स्ट इज इजी टीम स्विच एंड फॉरेन अपॉर्चुनिटीज। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, अमेज़न में टीम स्विच करना काफी ईजी है। तो अगर आप अपनी टीम से खुश नहीं हो तो आपको बस जाके कोई और टीम ढूंढनी है, उसके मैनेजर से बात करनी है, शायद वो आपकी कुछ इंटरव्यू राउंड्स लेंगे और अगर आपने वो क्लियर कर लिए देन आप उस टीम में जा सकते हो। थोड़ा सा नोटिस पीरियड है कुछ 30 to 40 days का, उसके बाद आप उस टीम में ज्वाइन कर सकते हो। एंड सिमिलरली इंडिया के बाहर जाना भी बहुत इजी है, आपको जस्ट टीम ढूंढनी है, जहां भी आपको जाना है, यूएस, यूके, यूरोप, कहां भी आप जा सकते हो, जहां आपकी मर्जी हो। उसकी एक कंडीशन होती है कि आपको अमेज़न में एटलीस्ट 1 साल हो गया होना चाहिए और आप एटलीस्ट SD2 लेवल के हो, उसके बाद ही आप जा सकते हो। बाकी कंपनीज में बाहर जाना इतना इजी नहीं होता, बट अमेज़न में इट्स क्वाइट इजी। नेक्स्ट इज कैब सर्विस। एम्प्लॉयज़ को डेली कम्यूट के लिए कैब सर्विस मिलती है। पर्सनल कैब तो नहीं मिलती, बट एक जो 6-7 सीटर होती है लाइक इनोवा, अर्टिगा, उस टाइप की कैब आती है जिसमें बाकी लोग भी बैठे होते हैं। सो आपको वो आपकी लोकेशन से उठाएगी और ऑफिस में ड्रॉप कर देगी, फिर ऑफिस से उठाएगी आपकी लोकेशन पर ड्रॉप कर देगी। ये फ्री तो नहीं होता, तो इसको एग्जैक्टली पर्क तो नहीं बोल सकते, बट आई थिंक फैसिलिटी बोल सकते हैं आई गेस। गाइज, बिफोर वी मूव ऑन विद दिस वीडियो, मैं आपसे एक काम की बात करने वाला हूँ आपके ही फायदे की। तो आपने कोडिंग निंजास का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ पे हर टाइप के कोर्सेज होते हैं, हर लैंग्वेज के, हर लेवल के, C++, जावा, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हर चीज के आपको कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे। उनके कोर्सेज में आपको 1-on-1 डाउट रेजोल्यूशन सपोर्ट भी मिलता है। एंड दीज कोर्सेज आर प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर्स फ्रॉम फेसबुक, अमेज़न, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ लॉट मोर सच ऑर्गेनाइजेशंस। ये कोर्सेज कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं। एंड कोडिंग निंजास इज बैक अगेन विद देयर स्कॉलरशिप टेस्ट। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आपको 100% डिस्काउंट तो मिल ही सकता है इन कोर्सेज पे, बट ऑल्सो आपको और भी काफी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कॉलरशिप के बाद किसी कोर्स में एनरोल करोगे
Then you will get exclusive paperback book Ace Your Coding Interview by Coding Ninjas worth 1500 rupees. आपके घर पे वो डिलीवर की जाएगी. आपको एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा. और जिस टेस्ट का डेट है वो 22nd एंड 23rd जून है. और ये दोनों दिन रात के 8 से 11 बजे के बीच में आप टेस्ट दे सकते हो. फॉर सम रीजन अगर आप 22nd को टेस्ट नहीं दे पाते देन आप 23rd को भी दे सकते हो. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस टेस्ट में सिर्फ 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे. कोडिंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. एंड अगर आप ये कोड स्पेशल 50 यूज करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा रजिस्ट्रेशन फीस पे. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट. नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो. नेक्स्ट इज मेडिकल इंश्योरेंस. सो Amazon अपने सब एम्प्लॉयज को मेडिकल इंश्योरेंस देता है. एम्प्लॉयज को भी और उनके डिपेंडेंट्स को भी. डिपेंडेंट्स मतलब आपके स्पाउस को, आपके किड्स को, आपके पेरेंट्स को, तो सबको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है. आई होप आपके साथ ऐसा ना हो, बट कभी भी अगर आप बीमार हो जाओ, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ, तो आपका पूरा एक्सपेंस Amazon कवर कर देगी. सो आपको उस टाइम पे पैसों की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि दुनिया में कुछ भी जो फ्री में मिलता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस तो अप्लाइड होते ही हैं. नेक्स्ट इज रीलोकेशन बोनस. सो Amazon अपने सब एम्प्लॉयज को रीलोकेशन बोनस देती है. सो आपके पास जब भी आप Amazon ज्वाइन करते हो सो आपको ऑप्शन रहता है, या तो आप 1.5 lakh rupees ले सकते हो जो आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे, या फिर Amazon ही आपके लिए सब कुछ अरेंज करके देगा. आपकी फ़्लाइट्स की टिकट्स देगा, आपके रहने का आई थिंक होटल देगा आपको कुछ दिन के लिए. सो या तो आप ये ऑप्शन ले सकते हो. एंड अगर आप कभी टीम भी चेंज करो जिसकी वजह से आपको सिटी चेंज करनी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर से हैदराबाद मूव कर रहे हो, तो भी आपको ये रिलोकेशन बोनस मिलेगा. और अगर आप फॉरेन जा रहे हो, आपने टीम वहाँ की चेंज कर ली, तो भी आपको ये बोनस मिलेगा या फिर ये अकोमोडेशन अरेंजमेंट मिलेगा, जो भी आपकी मर्जी है वो आपको मिलेगा. एंड एक अंदर की बात, इंडिया में कोई भी ये अरेंजमेंट नहीं लेता, सब लोग रिलोकेशन बोनस ही ले लेते हैं विच इज़ 1.5 lakhs, और उसमें सब कुछ कवर कर लेते हैं और काफ़ी पैसे उससे बच जाते हैं. नेक्स्ट इज स्वैग एंड गिफ्ट्स. सो गेटिंग कंपनी स्वैग एंड गिफ्ट्स इज अ वेरी कॉमन थिंग एट Amazon. कभी टी शर्ट्स मिल जाती हैं, कभी हुडीज मिल जाती हैं, कभी कुछ गिफ्ट्स मिल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं. मेरे पास 2 साल में अराउंड 3 hoodies और 3 t-shirts इकट्ठी हो चुकी हैं अब तक. एंड गिफ्ट्स भी मिलते रहते हैं. एक बार मुझे IKEA का एक लैम्प मिला था, एक बार एक छोटा सा हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर मिला था, दिवाली पे ड्राई फ्रूट्स का डब्बा मिला था, मेरे एक दोस्त को एक बार फायर टीवी स्टिक मिला था. तो ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं. ऑल्सो टीम पार्टीज भी होती रहती हैं. सो हर क्वार्टर में आपकी टीम को एक बजट मिलता है. सो पर हेड अराउंड 1500 to 2000 rupees का वो रहता है. सो टीम पार्टी के लिए चली जाती है, या मूवी देखने के लिए, या कुछ बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए. तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं. देन Sodexo मील कूपन्स. सो सब एम्प्लॉयज़ को एवरी मंथ Sodexo मील कूपन्स मिलते हैं अराउंड 1500 to 2000 के. एग्जैक्टली मुझे अमाउंट याद तो नहीं है. इन पैसों को आप स्विगी या Zomato पे यूज़ कर सकते हो, या ऑफिस के कैफेटेरिया में यूज़ कर सकते हो. सो पहले ये Amazon पैंट्री पे भी यूज़ हो जाते थे, जो Amazon की वेबसाइट पे जो आपको पैंट्री वाला सेक्शन दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये नहीं होते. बट जितना मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए, ज़्यादा लाइफ में कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए. कोर्सेज टू लर्न. सो Amazon में इंटरनली बहुत सारे आपको कोर्सेज सीखने को मिलते रहते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं. लाइक मशीन लर्निंग की एक वर्कशॉप होती है जिसमें आप ML सीख सकते हो, और भी इस टाइप की काफ़ी वर्कशॉप्स होती रहती हैं. ऑल्सो टीम टू टीम भी डिपेंड करता है. लाइक मेरी टीम ने फ्री एक्सेस दिया हुआ है O'Reilly कोर्सेज पे. सो हम O'Reilly का कोई भी कोर्स फ्री में कर सकते हैं, और आपको पता ही है कि O'Reilly में कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं. सो दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल अगर आपको कुछ नया सीखना है. नेक्स्ट इज अमेजिंग ऑफिस. देखो आप लोगों ने LinkedIn पे शायद बहुत सारी फोटोज देखी होंगी ऑफिस की, Amazon की ऑफिस की इधर उधर, और उतना ही मैंने देखा है. ऑनेस्टली मैं अब तक ऑफिस गया नहीं हूँ, बट मैंने सुना है कि ऑफिस काफ़ी अच्छा है दिखने में, काफ़ी एस्थेटिक है, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत सारे फ्लोर्स हैं Amazon के उसमें बिल्डिंग में, या फिर पूरी बिल्डिंग ही Amazon की है. सो काफ़ी जगह है वहाँ पे, बहुत बड़ा कैफेटेरिया है, आई थिंक गेमिंग के लिए भी कोई रूम है. सो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं. वेंडिंग मशीन्स भी लगी हुई हैं मैंने सुना है, जहाँ पे आप फ्री में निकाल के शेक्स पी सकते हो, जूसेस पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो बिल्कुल फ्री में. बाकी ये सब डिटेल्स मैं आपको ऑफिस जाने के बाद ही बता पाऊंगा, तब तक आप मेरी सुनी सुनाई बातों पे ही भरोसा कर लो. देन हाइब्रिड वर्क मॉडल. सो Amazon में अभी हाइब्रिड वर्क मॉडल फॉलो होता है. लाइक फुल वर्क फ्रॉम ऑफिस भी नहीं है और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है.
सो अभी मेरी टीम में वीक में एक ही बार जाना होता है ऑफिस, जो धीरे धीरे बढ़ जाएगा. एंड इट डिपेंड्स ऑन द टीम यू आर इन. सो कुछ टीम्स ने रिमोट वर्क भी ऑफर किया है. सो आप उस अकॉर्डिंग टीम चूज कर सकते हो. आपको क्या पसंद है, आपको घर बैठ के काम करना पसंद है या ऑफिस जाके करना पसंद है, सो यू हैव दैट ऑप्शन. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आपको कौन सा पर्क सबसे अच्छा लगा, आप कौन सा सबसे यूजफुल लगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ. एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून.